उत्तराखंड आपदा पर बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा है कि ग्लेशियर टूटने के कारण त्रासदी चिंता का विषय होने के साथ साथ ही एक चेतावनी भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री रहते हुए वो गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर बांध बनाकर पनबिजली परियोजनाएं लगाने के खिलाफ थीं। उन्होंने आपदा से प्रभावित आसपास के जेलों के लोगों से सेवा कार्यों में लगने की अपील भी की है। आपको बता दें कि उमा भारती पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए 1 सरकार में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री थीं। हिंदी में किए गए सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने कहा कि ग्लेशियर टूटने से पनबिजली परियोजना को नुकसान पहुंचा और भीषण त्रासदी आई है। उन्होंने कहा कि हिमालय के ऋषि गंगा में हुई ये त्रासदी चिंता का विषय होने के साथ साथ चेतावनी भी है। उन्होंने लिखा है, इस संबंध में मैंने अपने मंत्रालय की तरफ से हिमालय उत्तराखंड के बांधों के बारे में जो हलफनामा दिया था उसमें यही आग्रह किया गया था कि हिमालय एक बहुत संवेदनशील जगह है, इसलिए गंगा एवं उसकी मुख्य सहायक नदियों पर पनबिजली परियोजनाएं नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस फैसले से बिजली आपूर्ति में होने वाली कमी को राष्ट्रीय ग्रिड से पूरा किया जा सकता था। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से रविवार को धौली गंगा नदी में भीषण बाढ़ आई थी। लगा हुआ है भयंकर तरीके से, इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं पूरा तरह से तबाही मचती हुई, समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से ही पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय ये हो रही है, इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए